बादशाह औरंगजेब वल्लों अपने जरनैल सैद खां नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं ज्यौंदे फड़ के लियाउण दे लई आनंदपुर साहिब दे लई रवाना कीता। सैद खां दी भैण पीर बुद्धू साह जी नाल विआही होई सी, इस करके रस्ते दे विच उह अपने भैण दे घर ठहरिया। उस दी भैण वल्लों उसनू वरजिया गया पर उसने एक ना मन्नी अते गुरु गोबिंद साहिब जी नू फड़न दे लई आनंदपुर साहिब दे लई रवाना हो गया। आनंदपुर साहिब दे लागे नूरपुर बेदी दे कोल पिंड सिंबल माजरा दे कोल उसने विश्राम कीता। विश्राम दौरान वह दरख्त दे हेठ बैठ के शतरंज खेड रहा सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आनंदपुर साहिब तो एक तीर चलाया जो सिंबल दे दरख्त दे विचकार लगा। ये देख के उसनू इंज जापिया कि ये तीर किसी जादूगर ने चलाया है। उस समय सैद खां हजे सोच विचार ही कर रहा सी कि दूसरा तीर उस दे मंजे दे पावे दे विच आण वज्जा, जिस दे नाल एक चिट्ठी लगी हुई सी। इस चिट्ठी विच लिखिया सी कि ये तीर कोई जादूगर वल्लों नहीं चलाया गया, बल्कि रोज़ दे अभ्यास अते तीर अंदाजी दे विच निपुण होण करके चलाया गया है। ये कौतक वेख के उसनूं अपनी भैण की याद आई, जिसने अपने भरा नूं गुरु साहिब नूं फड़न तो वरजिया सी। ये सब कौतक वेख के उसका हंकार ढैला पै गया अते गुरु साहिब जी दे दर्शन करके निहाल हो गया अते गुरु घर का सेवक बन गया। इस स्थान दे उपर गुरद्वारा बाण साहिब पातशाही दसवीं सुशोभित है। ये गुरद्वारा साहिब आनंदपुर साहिब तो 10 किलोमीटर की दूरी उपर सतलुज दरिया के पार स्थित है। वीडियो चंगी लगी तो लाइक करो, सबसक्राइब करो।